हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो मैं आ गई हूँ शॉप पे जन्माष्टमी की शॉपिंग करने। तो मैं यहीं पे ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और सारी चीज़ें मैं वन बाय वन दिखाऊंगी और रेट भी हो सकेगा तो मैं भैया से पूछ के आप लोगों को बताऊंगी और दिखाऊंगी भी। तो चलिए क्या क्या शॉपिंग करते हैं वो आप लोगों को दिखाती हूँ। ब्लॉग में बने रहना और प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। जो भी चैनल पर न्यू हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर। तो फ्रेंड्स, कल जन्माष्टमी है और उसकी मैं मार्केट आई थी और आप सबको दिखा रही हूँ कि मार्केट में कितनी ज़्यादा रौनक है। और जिस शॉप पे मैं आई हूँ वो मेरे घर से पास ही है और उनके यहाँ इतने अच्छे आइटम थे और मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है जो उनके पास नहीं आपको मिलेगा। अगर आप उनके यहाँ चले गए, एक शॉप में घुस गए ना, तो आपको सारी चीज़ें A to Z मिल जाएंगी और आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको परेशानी उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उनकी शॉप का नाम है रामदेव फैंसी स्टोर, लिंक माउंट स्कूल है, उससे पहले ही थोड़ी सी उनकी शॉप पड़ती है। तो बहुत अच्छी है और देखिए मतलब 4-5 तरह के तो झूले उनके पास हैं और हर रेंज में हैं, 400, 500, 300, मतलब हर रेंज में आपको मिल जाएगा, साइज़ भी छोटा बड़ा भी मिल जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा मुझे लगा। लास्ट ईयर क्या था कि उतनी वैरायटी नहीं मार्केट में मिल रही थी चीज़ों के। और यहाँ पे देखिए वस्त्र जितने भी हैं गोपाल जी के, वो सब आपको मिल जाएंगे और ड्रेस मिल जाएंगे, राधा जी के ड्रेस मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे आए हुए हैं और इनके पास भी बहुत अच्छे हैं। और कृष्णा जी के जो ड्रेस हैं वो हैं, पूजा से रिलेटेड जितनी भी आइटम है उनके दुकान पे आप जाएंगे आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। लास्ट टाइम उनके पास आइटम बहुत कम थे और मैं बोलती थी कि भैया ये ले आ दो और बहुत मुझे प्रॉब्लम हुई थी, मैं मतलब बहुत दूर दूर मार्केट हमको जाना पड़ा। लेकिन ये साल मैं आराम से गई और 1-1.5 घंटे में सारी शॉपिंग जो भी करनी थी मैंने कर लिए और इसलिए मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, क्योंकि जब फेस्टिवल आता है तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ती है। तो वो चीज़ मुझे अच्छा लगा कि हम मेरे पास में ही शॉप है और आप लोकल शॉप से भी शॉपिंग हमको करनी चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए छोटे छोटे जो दुकान वाले हैं। तो ये देखिए यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे कान्हा जी के ड्रेस मिल रहे थे कि मुझे लग रहा था कि मैं कितने ले लूँ, मतलब जब मैं जाती हूँ ना अक्सर ही मैं उनके ड्रेस लेके आती हूँ। और ये देखिए गणपत बप्पा मोरिया, ये सब भी उनके पास आ गए हैं अभी से। तो ये तो मैंने अभी नहीं लिया है, लेकिन अगर आप सबको चाहिए तो आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी और आपको पास पास में आपको शॉप में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने एक झूले लिया है जो कि मैंने कृष्णा जी के लिए नहीं लिए थे, तो वो मैंने अपने लड्डू गोपाल जी के लिए लिए हैं। और उसके बाद उनके वस्त्र नए, वैसे मेरे पास 2-3 पहले से भी हैं पर मैं जन्माष्टमी के दिन नया उनको पहनाना था मुझे, इसलिए मैंने लिया मुकुट नया लिया और फूल ये सब मैंने तो ले ही लिया है। और स्वीट जो है वो मैं घर पर बनाऊँगी तो वो मैं आगे आप लोगों से शेयर करूँगी। और देखिए बांसुरी कितनी प्यारी प्यारी इनके शॉप पर है और मुझे बहुत अच्छी लग रही थी सारी चीज़ें इनके देख के ना, बांसुरी और ये सब मुकुट ये सब देख के ना इतना अच्छा लगता है, क्योंकि कान्हा जी पहनते हैं तो कितने क्यूट से लगते हैं। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और ये झूले मुझे ये वाला बहुत पसंद आ रहा था, बार बार मेरी नज़र इसी पे जा रही थी। और इसका क्या है ना कि पेंट नहीं छूटेगा बिल्कुल भी, कहीं से निकलने वाला नहीं था, ऊड का है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं यही लूँगी तो मैंने साथ फाइनल भी यही किया है। तो फ्रेंड्स, उनके यहाँ देखिए मतलब काफ़ी सामान थे, जैसे तीज आ रहा है तो तीज पे भी हमको सिंगार का सामान चाहिए रहता है, 7 सिंगार का सामान, 11 जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा चढ़ाना चाहिए सिंगार का सामान। तो ये उनके पास ना पूरी किट ही थी और उसमें पाउडर, क्रीम, सीसा, कंघी, चूड़ी, बिंदी, रबड़ सब कुछ था इसमें। तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था,
कि तीज पे मैं यही ले लूँगी। मैंने सोचा कि ये इसमें सब कुछ हो भी जाएगा, और अगर आप अभी से लेते हो तो अभी दो तीन फेस्टिवल जो पहले आ रहे हैं उन सब पे भी आप चढ़ा सकते हो। और कलर जो पैर में लगाते हैं सब कुछ इसमें था इनके शॉप में, तो मैंने आप सबसे शेयर किया। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको ब्लॉग कैसा लगा। और ये देखिए इसके ऊपर सब कुछ श्रृंगार के में सब कुछ है, आलता बॉटल, लिपस्टिक, काजल, क्रीम, पाउडर, जितनी भी आइटम होते हैं जो चढ़ाए जाते हैं श्रृंगार के सामान, जो तीज पे या फिर जन्माष्टमी पे आप लोग चढ़ाते हो, तो वो सब चीज़ें इसमें हैं। तो ये किट बहुत अच्छा है और डिस्काउंट रेट भी अभी चल रहा है उनके यहाँ 200 में, वो देने को रेडी थे कि मैं डिस्काउंट कर दूंगा, तो 45 रुपीज़ तो वैसे भी वो कम कर दे रहे हैं। तो ये किट काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे, तो मैं यही किट लेने वाली हूँ। आगे भी आप लोगों से शेयर करूँगी कि मुझे यही किट मैं लूँगी, और ये इसके साथ बॉक्स भी मिल जाएगा, तो बॉक्स तो हम बाद में रिव्यूज़ भी कर सकते हैं। और ये मैंने लिया है झूला, और मैंने यही फ़ाइनल किया क्योंकि मेरी नज़र ना इसी पे जा रही थी। तो ये सब मेरी जो जन्माष्टमी की शॉपिंग है वो मैं आप लोगों से आज शेयर कर रही हूँ। तो शॉप पे जाके ही मैंने आप लोगों को चीज़ें भी दिखाई, जो आप लोगों को अच्छी लगे या ज़रूरत है आप लोगों को लेना है तो आप लोग आराम से जाके ले सकते हो। तो फ्रेंड्स प्लीज़ ब्लॉग को ना लाइक कर दीजिएगा और कॉमेंट कर दीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और जो भी मेरे चैनल पे पहली बार हो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग वीडियोस देखते हो अच्छी लगती है पर आप लोग लाइक कमेंट नहीं करते हो, तो प्लीज़ फ्रेंड्स कर दीजिए। और ये मैं दिखा दे रही हूँ कि मार्केट में इस टाइम पे इतनी रौनक है, इतनी रौनक है, और ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। स्पेशली मैं आगे इसको ज़रूर लूँगी क्योंकि ये जैसे कुछ भी अगर फंक्शन है या कुछ छोटा मोटा है तो आप पहन के थोड़े से चेंज कर सकते हो ज्वेलरी। तो ये भी काफ़ी अच्छी लग रही थी, ये राधा के लिए बहुत अच्छी लगेगी और कृष्णा जी भी इसको पहन सकते हैं। तो अगर आपके बच्चे थोड़े से बड़े हैं ना तो ये ले लीजिए, कृष्णा बनाने के लिए बहुत अच्छे लगेंगे। तो ये भी उन्हीं के शॉप पर थी, तो शॉप का नाम ना मैं नीचे मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग जाके शॉपिंग कर सकते हो इनके शॉप पे, बहुत अच्छे हैं, रेट को भी डिस्काउंट करते हैं, तो आप लोग आराम से कम करा के आप लोग ले सकते हो जो आप लोगों को अच्छा लगे। कृष्णा के लिए ये तो बहुत अच्छा, भैया बताओ कितने का है, मेरी बेटी के लिए मैं लूँगी। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, 70 रुपीज़ ओनली, 70 रुपीज़ का है, तो ये तो आप मुझे एक दे दो मेरी बेटी के लिए। तो ये तो बहुत ही प्यारा लग रहा है, तो मैंने तो जस्ट देखा और ले लिया क्योंकि ये बहुत ही प्यारा है। राधा बनाई है, वैसे भी ब्रेसलेट की तरह काम आएगा ये देखिए। और फ्रेंड्स ये ना नग का है और मोती लगे हुए हैं, तो ये साइन बहुत अच्छा कर रहा है, ऐसे छूटने वाला नहीं है ये, जैसे कभी कभी लोकल रहता है ना देखने में, बाद में पहनिए तो छूट जाता है, तो उस टाइप का नहीं है ये, काफ़ी अच्छा था, तो इसलिए मैंने इसको एक लिया। और ये सारे आइटम मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, आई होप आप सबको ब्लॉग पसंद आ रहा होगा और आप लोग इन्जॉय भी कर रहे होंगे। ये सारी प्यारी प्यारी चीज़ें कृष्णा जी के देख के ना एकदम मतलब ऐसे लग रहा था सारे कुछ उठा के लेके चलो अपने कृष्णा जी के लिए। तो मैं वैसे काफ़ी चीज़ें मुझे अच्छी लगती है तो मैं ख़रीद भी लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये मेरी जन्माष्टमी की शॉपिंग हो गई, ये मैंने ले लिया है आराध्या के लिए, और कृष्णा जी का मुकुट, और जो कि झूला 1 ईयर से पेंडिंग था, मेरे कृष्णा जी ने इतना वेट किया तो फाइनली मैंने झूला भी ले लिया है। तो मेरी शॉपिंग जो जन्माष्टमी की है वो तो हो गई है, क्लॉथ भी ले लिया, मुकुट भी ले लिया, और चीज़ें तो वैसे हैं, लास्ट ईयर भी ले गई थी। तो आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, आपका दिन शुभ हो, ढेर सारी खुशियां आए आपके परिवार में, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक कमेंट जरूर करके बताइएगा कि ब्लॉग कैसा लगा।